वेलकम टू दांता इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। डियर फ्रेंड्स, दांता इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं और मैं चलता हूं अब अगले चैप्टर के बारे में। एम्प्लॉइज, यस इट्स एम्प्लॉइज मास्टर। एम्प्लॉइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर फर्म। जैसे एम्प्लॉई मास्टर है वो एम्प्लॉई ही होता है, जैसे गारमेंट्स की मैं बात करूँ तो एम्प्लॉई ही होता है जो मुझे कपड़े बेच करके प्रॉफिट दिलाता है। अगर हमारे पास एम्प्लॉई अच्छा है, हमारा इनकम डेफिनेटली अच्छा ही होगा। तो मैं एम्प्लॉयज मास्टर की बात करता हूँ, तो हियर आई एम इन एम्प्लॉई मास्टर, मैं मास्टर में जाऊँगा और यहाँ से एम्प्लॉई मास्टर में आ जाता हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय कोड ये सॉफ्टवेयर खुद ब खुद जनरेट करता है, माफ कीजिएगा, इट्स एम्प्लॉई आई डी डैट इज बींग जनरेटेड बाई सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली। अब मैं बात करता हूँ एम्प्लॉय नेम की। अब सपोज करिए आपके पास जो भी एम्प्लॉई है मनीष, आप इसे क्या सैलरी देते हैं आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसका ज्वाइनिंग डेट कब का है वो आप डिफाइन करेंगे। अगर आज से आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करना स्टार्ट किया है कोई बात नहीं, आप आज का ही ले लीजिए। सैलरी जो उसका है 7000, ठीक है, आप यहाँ डिफाइन कर देते हैं। उसका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, डेजिग्नेशन क्या है वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डेजिग्नेशन पे लोग होते हैं। कोई आपके अकाउंटेंट होंगे, कोई गार्ड होंगे, ठीक है, कोई असिस्टेंट सेल्स पर्सन होंगे, कोई सेल्स पर्सन होंगे। अब जो कमीशन की बात है, जो हम मुझे इंसेंटिव देते हैं पर सेल पे, हम कितना परसेंट का इंसेंटिव देते हैं वो हमको यहाँ डिफाइन करना होगा। अगर ये 1% है तो हम यहाँ 1 डालेंगे और 1% का ऑटोमेटिकली सारे सेल पे उनका कमीशन जुड़ता चला जाएगा। फिर मैं बात बताऊँगा, यहाँ पे आप एड्रेस डालें, उनका मोबाइल नंबर डालें, ईमेल आईडी डालें और सेव करें। जैसे ही आप सेव करेंगे आप देखेंगे नीचे में एक नया सा रो जुड़ गया है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई, सपोज़ उसका सैलरी 7000 नहीं 8000 था, तो मैं यहीं पे फिर से डबल क्लिक करूँगा। ये देखिए एडिटेबल मोड में आ गया, मैं इसे एडिट कर दूँगा और जितना भी चाहे जो भी मर्जी हो मैं यहाँ एडिट कर सकता हूँ, जो भी गलत है। सपोज करिए मोबाइल नंबर मुझे डालना था, रह गया था, मैं अब डाल देता हूँ। तो जो भी चीज़ें मुझे डालनी थी मैं पूरा कर सकता हूँ और ये मैं सारे सारे एम्प्लॉयज़ के साथ कर सकता हूँ और फिर मुझे बस अपडेट कर देना है। तो अभी आपने सीखा कि आप एम्प्लॉय कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे आप इसको अपडेट करेंगे।